guys, myself Ruhika and welcome to the platform of Unacademy. So, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो कोर्स है, it is all about the gate previous year practice questions. So, friends, हमारा जो टॉपिक होगा वो है semiconductor theory of the subject semiconductor devices and circuits. So, अगर अभी तक आपने Unacademy learning and download नहीं किया है, तो please download कर लीजिए और वहाँ से मेरे lessons को follow कीजिए. चलिए शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, राइट? लास्ट क्लास में भी हमने एक देखा था, कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था, राइट? वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था. मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन की हुई थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? और जो मैंने प्रोसीजर बताया था, आई एडमिट कि वो प्रोसीजर लॉन्ग था, बट दैट वॉज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था. आई होप कि आपको वो शॉर्टकट समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और उस शॉर्टकट से, उस फॉर्मूले से आप आराम से उस क्वेश्चन को, कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स के टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो फ्रेंड्स, इस लेसन में भी मैं आपके सामने एक गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आई हूँ. इनफैक्ट टू क्वेश्चन लेकर आई हूँ. चलिए देखते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, रोहिका रोही. गेट का 2014 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स. ओके, वन मार्क का क्वेश्चन है. हाउएवर, इट इज़ नॉट वर्दी ऑफ वन मार्क. इट इज़ क्वाइट, इट्स अ गुड क्वेश्चन. ऑब्वियसली टफ नहीं कह सकते, बट इसका मेथड, मतलब एक बार में ये समझना आएगा कि कैसे इसको डील करना है, इसकी जो डीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये जो सब्जेक्ट, ये जो क्वेश्चन है, इसको डील कैसे करते हैं, आंसर तक कैसे पहुँचा जाता है थ्रू द ऑप्शंस. ओके, सो क्वेश्चन इज, इन द फिगर लॉन रो आई, व्हाट इज दिस रो आई? इट इज इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी. आपको मैंने थियरी में समझाया था, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने लिया था, मतलब वहां से हमने इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी को सॉल्व किया था, उसका डेरिवेशन देखा था हमने. सो कुछ नहीं है, इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी क्या हो गया? अब ऐसा कोई टर्म ही नहीं आप बोलोगे कि यार हमने तो इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी पढ़ा था, इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी तो पढ़ा नहीं था. सो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट जस्ट इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी. सो इफ इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी कैन अकर, देन इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी कैन ऑल्सो अकर. ओके, नथिंग न्यू इन दैट, राइट? सो हमारा जो ये ग्राफ है, ये लॉन रो आई है, इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ 1/T. ओके, now rho I is the intrinsic resistivity of silicon, as I told you. T is the temperature and the plot is almost linear. You can see this plot is bit curved, but it is almost linear. Okay, अब हमें इस प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है. अगर आप एक्चुअल में देखोगे जो मैं सॉल्व करूंगी ना, इस प्लॉट से आपको कोई काम नहीं है. ये बस ऐसे ही जो एग्जामिनर है उसके खुशी के लिए दिया हुआ है, आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है. आप क्वेश्चन शुरू करोगे कहाँ से? जो हमें ऑलरेडी पता है. हमें क्या पता है? ये ऑप्शंस दिए हैं, मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं आपको क्वेश्चन डील करती हूँ, देन क्वेश्चन, देन ऑप्शंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी. हमें क्या पता है, किस चीज का फॉर्मूला पता है? इस क्वेश्चन से आप क्या पकड़ सकते हो? रो आई, ये जाना पहचाना टर्म है, दैट इज सिग्मा आई, दैट इज इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी. यहां से हम चल सकते हैं, ये हमें पता है, जहां से पता है वहीं से चलेंगे. इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, दैट इज एन आई इंटू क्यू इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी. फाइन, नाउ अब आपको पता है इसके आगे कैसे बढ़ेंगे. आपको पता है कि एन आई जो होता है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो होता है, इसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है. वी हैव रिटन दिस फॉर्मूला डाउन, दैट इज ए नॉट इंटू टी टू द पावर 3/2 इंटू ई टू द पावर माइनस ई जी नॉट बाई 2 kT. अब आप चीज देखो, Ni का फॉर्मूला ये है और Ni इस इक्वेशन में आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि हमारा सिग्मा आई जो है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन, दैट इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni. ओके, इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज ऑब्वियसली इज सो मच ऑब्वियस, एंड इट इज ओ, सिग्मा आई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एन प्लस म्यू पी फ्रॉम दिस इक्वेशन इटसेल्फ. सिग्मा आई हमारा, जो कि क्यू, देखो क्यू तो कॉन्स्टेंट है, Q पे तो डिपेंडेंसी ना डिपेंडेंसी होने की बात ही नहीं है. हमारा जो वेरिएबल है वो एन आई है और म्यू एन प्लस म्यू पी है. सो सिग्मा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एन आई एंड म्यू एन प्लस म्यू पी. ओके, नाउ एन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फेलो, दैट इज ई टू द पावर माइनस ई जी नॉट बाई 2 kT. सो एन आई अगर इसके प्रोपोर्शनल है
और ni सिग्मा i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स कि सिग्मा i भी इसके प्रोपोर्शनल होगा. ओके, ई टी पावर माइनस ई जी नॉट बाई 2 kT. ओके, और ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा. ni, आप एक चीज देखो, होता है ना, a इज प्रोपोर्शनल टू b एंड b इज प्रोपोर्शनल टू c, सो a इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू c. बस वही कंसेप्ट लगा, यहाँ पे और कुछ मैथमेटिक्स नहीं है. ओके, नाउ हमें पता है कि जो इंट्रेंसिक रेजिस्टिविटी है, दैट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ इंट्रेंसिक कंडक्टिविटी. तो यहाँ से हमारी कहानी आगे शुरू होती है. अब आप देखो कि यहाँ पे सिग्मा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस ई जी नॉट बाई 2 kT था. माइनस मतलब कि अगर हम सिग्मा आई को 1 बाई रो आई से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस साइन हट जाएगा. e to the power minus e g naught by 2 kt will now become e to the power e g naught by 2 kt. Now मुझे पता है कि ये logarithmic है, आपको समझ आ रहा होगा, ये mathematics का basic है. okay, so I will not go into deep. So it is directly proportional to this. उसका reciprocal है ना, ये दोनों एक दूसरे के reciprocal हैं, तो यह minus sign हट जाएगा और इसका reciprocal हो जाएगा, isn't it? So इसका reciprocal हो गया. Now what we are going to do, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, लॉन रो आई दिया था, राइट. तो हम क्या करेंगे, हमें एक सॉर्ट ऑफ इक्वेशन मिल चुका है, कुछ रिलेशंस मिले हैं, तो लॉन हम बोथ साइड्स लगाएंगे. अगर हम दोनों साइड में लॉन लगाते हैं तो क्या मिलता है, आपको पता है ये लॉगरिथमिक है कि अगर आप लॉन लगाते हो ई टू द पावर में तो ई हट जाता है, लॉन हट जाता है, और जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंशियल जो पावर होता है वो आ जाता है. So again, ln rho I is directly proportional to this fellow and ln of this fellow. Now, ln of rho I is directly proportional to ln of 1 by ni. Okay? ये कैसे हो रहा है? आप यहाँ पे देखो, 1 by rho I and 1 by sigma I को अगर आप 1 by rho I से replace करते हो, तो यहाँ पे ni भी तो inverse होगा ना? So similarly, ln of rho I is directly proportional to ln of ni. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई जी नॉट, बिकॉज के और टी तो कॉन्स्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई जी नॉट, एंड दिस लॉन ऑफ रो आई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन ऑफ 1 बाई म्यू 1 प्लस म्यू पी. नाउ लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस. द स्लोप ऑफ द लाइन कैन बी यूज टू एस्टिमेट बैंड गैप ऑफ एनर्जी ई जी. ई जी से है, आप देख लो यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे है, आप देख लो, ई जी नॉट लॉन रो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई जी नॉट, है ना. अब आपका ऑप्शन आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन सही है. नेक और भी चेक कर लेते हैं. सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी इन सिलिकन, दैट इज म्यू एन प्लस म्यू पी. अब आप बोलोगे हाँ है, कैसे है, देखो नहीं है, कैसे नहीं है, ये लॉन, एक तो सम, वो यहाँ पे क्या इन्वर्स है ना, और दूसरा लॉन है, आपको इन्वर्स भी चाहिए, लॉन भी चाहिए, तब जाके आपका ऑप्शन सही होगा. और ये सेकंड जो, ये दोनों ऑप्शंस है ना, इनको देखो अच्छे से, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी, या लॉन और इन्वर्स है नहीं, तो ये होगा नहीं. यहाँ पे इन्वर्स तो है, लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी इन सिलिकन, इन्वर्स है नो डाउट, बट रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स तो है, लेकिन यहाँ लॉन नहीं है. सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. देन इंट्रेंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ सिलिकन, दैट इज ni. ni का भी लॉन होना चाहिए, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है. सो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. सो द वन एंड ओनली ऑप्शन दैट इज गोइंग विद द क्वेश्चन इज eg, दैट इज eg हमारा जो है उसे डायरेक्टली वो करता है, लॉन आगे नहीं आता, eg से करता है, eg से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा. सो दिस ऑप्शन इज राइट. देखा आपने कितना ईजी था, आपको बस जो पता है वहां से चलना शुरू करो एंड यू विल गेट द आंसर इटसेल्फ. ओके, चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. अब ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ से नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपको इससे रिलेटेड एक थियरी बताऊंगी एंड देन वी विल कम टू द क्वेश्चन इफ टाइम परमिट्स. ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है, वो थियरी जो है रिलेटेड इससे, वो ये है कि इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने देखा था, और इस डायग्राम से तो हमने इतनी बार देखा है कि आपको याद हो गया होगा, इट इज कंडक्शन बैंड, इट इज वैलेंस बैंड, इट इज द बैंड गैप ईजी, राइट. अब क्या होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने बहुत कुछ किया, डोपिंग किया, उसको एन टाइप बनाया, उसको पी टाइप बनाया, लाइट से कभी हमने नहीं खेला. आपने खेला है? अब खेलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे, लाइट को फॉल करवाते हैं, क्या होगा.
ऑब्वियस ही बात है कि लाइट है तो उसमें कुछ फोटोन एनर्जी होगा, है ना, लाइट में कुछ एनर्जी होगा ना, लाइट की एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं हम, फोटोन एनर्जी कहते हैं। एंड उसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। जो फोटोन एनर्जी होती है उसकी वजह से जो जो वैलेंस बैंड में जो होल्स होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं, वो क्या होता है यहाँ से, मतलब क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन में बी एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, ओके। और इसको कहते हैं हम इंट्रिंसिक एक्साइटेशन। आपको कुछ एक दो इलेक्ट्रॉन्स आपको एक्साइट हो सकते हैं वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में, और उसको क्या कहेंगे हम, इंट्रिंसिक एक्साइटेशन कहेंगे, ओके। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन दैट इज ई फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू, ओके। ये जो लाइट का जो फोटोन एनर्जी होता है दैट इज क्वांटिफाइड एज ई फोटोन एच न्यू। यहाँ न्यू क्या होता है, एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, ओके। और फ्रीक्वेंसी को आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, सी बाई लैमडा। सो ई फोटोन इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैमडा। नाउ फॉर इंट्रेंसिक एक्साइटेशन, इट इज एक्साइटेशन बट इट इज इंट्रेंसिक एक्साइटेशन, क्या होना चाहिए, जो आपका लाइट जो एनर्जी है इतना फोटोन एनर्जी उसमें होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाए। बैरियर क्या है, ईजी होगा बैरियर, इतना एरिया, इतना गैप आप देख सकते हो, इतना गैप उसको कवर करना है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में। सो जो हमारा एनर्जी है इतना सफिशिएंट इसको होना चाहिए कि वो ईजी के बराबर या ईजी से बड़ा हो, ओके। देन ओनली आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो हमारा ई फोटोन जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस ई जी। फाइन, सो एच सी बाई लैमडा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई जी। नाउ एच सी बाई लैमडा इसको हमने रीअरेंज किया है, और क्वेश्चन हमारा जो है ना वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आया, At T equals to 300 Kelvin, the band gap and the intrinsic carrier concentration of GaAs are this and this. मतलब band gap ये है, Eg ये है, और intrinsic carrier concentration Ni दिया हुआ है हमें। In order to generate electron hole pairs in GaAs, which one of the wavelength lambda c ranges of incident radiation is the most suitable? मतलब हमें lambda c का range निकालना है, Ni दिया हुआ है हमें, Eg दिया हुआ है हमें, लैम्डा सी का रेंज निकालना। गिवन क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, जो एच के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.62 × 10⁻³² जूल सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो चलिए हम निकालते हैं, हमारा जो फॉर्मूला आया वो ये आया अल्टीमेटली रीअरेंज करके, दैट इज लैम्डा सी निकालना है, इट इज लेस देन इक्वल्स टू एच सी बाई ई जी। एच हमारा हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू ये हो गई, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, ई जी हमारा क्वेश्चन में गिवन था 1.42, ओके, ई जी गिवन था हमें 1.42, और क्या था हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू होती है उसकी 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स, ओके। सो हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ओके। आप कंफ्यूज मत होना कि ये एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आया है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल्स में कन्वर्ट किया है, ये वैल्यू होती है। फाइन, नाउ हमें कैलकुलेट किया तो ये आया, दैट इज लैम्डा सी इज लेस देन इक्वल्स टू 0.87 माइक्रोमीटर। ऑप्शंस में चलते हैं, लैम्डा सी इज लेस देन 0.87 माइक्रोमीटर, ये आ रहा है हमारा, ये हमारा ग्रेटर देन वैल्यू नहीं आई है, लेकिन ये आई है। लेकिन इतने ही इन्फॉर्मेशन से आप देख सकते हो कि आपको बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला है कि लैम्डा सी इज लेस देन इक्वल्स टू 0.87 माइक्रोमीटर। इतने ही इन्फॉर्मेशन से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है ना, आपको ये वैल्यू मिल गई। अब अपर लिमिट का क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन मिल गया आपको, बस काम खत्म, आगे बढ़ो, इजंट इट। सो ये वैल्यू हमें मिल गई है एंड दैट इज वाई आवर आंसर विल बी दिस, ओके। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जो और भी क्वेश्चंस हैं, हम नेक्स्ट लेसन में और भी क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप कि आपको मेरे लेसन्स पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको मेरे लेसन्स पसंद आ रहे हैं, मैं जो क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से मेरे लेसन्स को फॉलो कीजिए।
और कोई भी डाउट होती है आप